एजुकेटर इंडिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। वेणी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष नहीं रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक अनेक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का दो सिर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों में बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्वान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियाँ हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसे ठाकुर भूप सिंह बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ पड़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह
उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेस में सिली पर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी, न जमीन पर फर्श न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती ग्रस्त का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, हांडी में देखा तो घी पावर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था, बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बिल्कुल बुरी मालूम हुई, तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, बह होते तो आज इसको मजा चखाते। अब अफड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया, उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, अब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का ही घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को बहन नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छोड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत क्या करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेणी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है, श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यों ही आप उलझ बैठ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए,
वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है, उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्मी क्यों होती है, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों न करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेणी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेणी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अबाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेणी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में ऐसे कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे।
वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है, बेणी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी, कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेणी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्ला हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका, उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर लड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में आई, बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। पेणी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा, यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था, वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चार पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह इतना मान नहीं करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते, मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डोडे जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था, 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था, भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बात कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना है कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा न गया, वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पहुंची जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आया, भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से दूर भागता हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन ही मन में पछता रही थी, वह स्वभाव से दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इस इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं, उस पर यह भी बहर लगा हुआ था कि मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर यह खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया, बहर रोने लगी,
मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगी, मैंने कहां से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गिलानी हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला, उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं शहर से स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सिर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेणी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए, बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एजुकेटर इंडिया।